इनके लब रंगी की निछावर थी के जिसने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मसाइल शरीयत ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट के सीज़न 3 में और टेस्ट नंबर 4 में पूछे गए सवाल जवाब इस तरह से हैं। पहला सवाल ये था कि अहले सुन्नत के मामूलात में से नियाज फातिहा देने का क्या हुक्म है, और इसका सही जवाब था मुस्तहब। अगला सवाल था, अहनाफ के नज़दीक वुजू में आधे सर का मसा फ़र्ज है, और इसका जवाब था गलत, क्योंकि एक चौथाई सर का मसा फ़र्ज है और आधे का फ़र्ज नहीं है। तीसरा सवाल था, मदीने शरीफ को इनमें से क्या कहना गुनाह है, और इसका जवाब था यसरब। अगला सवाल था, कितने उंगली से खाने को शैतान का खाना कहा गया, और इसका सही जवाब था एक उंगली से। अगला सवाल था, सूती मोज़े पर मसा करके नमाज पढ़ी जा सकती है, इसका जवाब था नहीं। अगला सवाल था, मुसाफिर को मोज़ों पर मसा करके कितने दिन तक नमाज पढ़ने की इजाज़त है, और इसका जवाब था 3 दिन। अगला सवाल था, क्या गैर सहाबा को रदी अल्लाह ताला अनु कहना जायज़ है, और इसका जवाब था हाँ। अगला सवाल था, आला हज़रत के दोनों बेटे आला हज़रत से मुरीद थे, इसका जवाब था गलत। अगला सवाल था, खालिस्तान बढ़ना था, गौर से सुन तो रज़ा, खालिस्तान से आती है सदा, और इसका सही जवाब था काबे से। अगला सवाल था, वज़ू की हालत में टीवी या फिल्म वगैरह देखने से वज़ू टूट जाता है, और इसका जवाब था नहीं। तो ये सवाल जवाब थे मसाइल शरीयत ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट के सीज़न 3 के चौथे टेस्ट के। अगर आप भी इस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब पे टाइप करें सिकंदर वारसी ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट की प्लेलिस्ट है। ये टेस्ट आवामुन्नास के लिए हर सैटरडे यानी हफ्ते की रात 9:50 पर लिया जाता है। 10 मिनट का टेस्ट होता है, 10 सवाल होते हैं, और हर सवाल एक नंबर का होता है, और हर सीज़न में 10 टेस्ट होते हैं, और 10 टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर मेल और फीमेल दोनों को इनाम की रकम दी जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दूसरे अवामुन्नास तक, मज़ीद इल्मे दीन में रग़बत लाने के लिए इस टेस्ट में हिस्सा लेने की तरगीब दिलाएँ, और अपने जहन में या सुनी हुई बातों को वेरीफाइड करने के लिए, अपने इल्मे दीन को परखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट में हिस्सा लें। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।